नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तक्षला क्लासेस. दिस इज श्री प्रतीक. आई एम गोइंग टू डिस्कस द 6 months करंट अफेयर्स फॉर अवार्ड्स एंड ऑनर्स टॉपिक, जो कि आपके CDS और CAPF एग्जामिनेशन, स्पेशली CAPF एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, जो कि 8 अगस्त को CAPF एग्ज़ाम है. यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ऑल्सो. In the last video, we covered the defense section for the last 6 months, and before that, sports section. We have been covering the current affairs very comprehensively with you people for your examination of CDS and CAPF. तो आप में से कोई भी अगर ये करना चाहता है CAPF में current affairs को, please do check out all these current affairs. That will definitely benefit you. और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये current affairs लगे काम के, आपको लगे कि यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ हिट अ बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग ऑन द करंट अफेयर्स. आइए ज़रा स्टार्ट करेंगे जी. पहले जनवरी में ये जो अवार्ड सेक्शन में क्या क्या था, दैट वी विल डिस्कस. द नंबर 1 इज कायाकल्प अवार्ड्स. पब्लिक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज अक्रॉस द फैसिलिटेटेड सेंटर्स. कायाकल्प अवार्ड फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए. एम्स भुवनेश्वर को रिसीव किया बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर कैटेगरी B ऑफ द कायाकल्प अवार्ड्स. जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च JIPMER वॉज अवॉर्डेड सेकेंड प्राइज फॉर कायाकल्प अवार्ड्स की. रंगपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल ऑफ मयूरभंज. दोस्त, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मेरे को नहीं लगता ये आने चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कायाकल्प अवार्ड्स किस चीज़ के लिए, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, फॉर मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड दिस थिंग. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन दीज टू रिमेंबर. डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट आइए जी. आई विल बी टेलिंग यू विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आर द थिंग्स विच वी नीड टू डू, राइट. उसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा. स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, इट्स ए वेरी मच फॉर द लास्ट you can say 5 to 10 years. This is very much in news also. Ministry of Tribal Affairs for e-governance. The award has been given to Ministry for its IT-led initiatives and transformative initiatives leading to outcome-based performance improvement. Highest independent honor and is considered comfort after exhaustive research and expert evaluations. तो याद रखिए Ministry of Tribal Affairs को मिला for e-governance. Ministry of Panchayati Raj also won the Scotch Challenge Award under Transparency in Governance category for IT-led initiatives and transformational reforms leading to outcome-based performance improvement, better transparency, strengthening of the e-governance in Panchayati Raj across the country. तो ये जी Scotch Challenge Award काफ़ी important है, याद रखिएगा ये चीज़ें. नेक्स्ट जी प्रारंभ. आपको भी पता स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुआ दिल्ली में. मेंबर्स ऑफ BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो कि ढाका में हेडक्वार्टर्स हैं. पूरा पता होना चाहिए BIMSTEC के मेंबर्स, सब चीज़ें. ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. सो दिस इज प्रारंभ समिट. क्या था? स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट. नेक्स्ट क्वेड मिलेथ अवार्ड्स. बिल्किस दादी, the face of the Shine Bagh anti-CA protest, and the social activist writer Harsh Mandir of Karvaa-e-Mohabbat were presented the Qaid-e Millat Award for probity in political and public life at the Indian Islamic Cultural Center, New Delhi. So, ये not much important I can say because such questions may not be arising because more of a controversy. So, but still Harsh Mandir, a very important personality. He is running an NGOs for the children and for these people. And Bilkis Dadi, ये आपने नाम सुना होगा, इनको कायदे मिलत अवार्ड मिला. प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर अवार्ड हैव बीन गिवन द फाउंडर चेयरमैन ऑफ नारायणा हेल्थ डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी एंड द चेयरमैन ऑफ विप्रो अजीम प्रेमजी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एनुअल अवार्ड. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को मिला. इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर जिंदर कुमार भंडारी फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ऑनरिंग सेल्फलेस सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेशली दिया जा रहा है. आपदा मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट, सो रिमेंबर दिस थिंग. एक और चीज़ आपको शायद पता हो, पहले ह्यूगो कन्वेंशन चलती थी, आजकल कौन सी कन्वेंशन चल रही है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट? ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सी कन्वेंशन फॉलो की जाती है। आंसर दे ही देता हूँ, सेंडाई फ्रेमवर्क। ये मेरे को पता नहीं क्यों लगता इस बार पेपर में आ जाएगा, सेंडाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू वॉट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इस प्रकार कुछ लिख के, तो याद रखिएगा जी। इसमें प्रॉपर बताया गया ये फ्रेमवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड में फॉलो किया जाता है टू इम्प्रूव द डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपरेशन। नेक्स्ट जी गैलेंट्री अवार्ड्स है, महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू जिनको मोस्ट पोस्टमसली मिला, ही वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 16 बिहार रेजिमेंट, याद रखिएगा जी। कीर्ति चक्र में संजीव कुमार, देन पिंटू कुमार सिंह एंड देन श्याम नारायण सिंह यादव, विनोद कुमार कांस्टेबल एंड राहुल माथुर, ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम द डिफेंस, दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ। वीर चक्र पोस्टमसली मिला नुदुराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, सिपाही गुरतेज सिंह, हवलदार तेजिंदर सिंह, नायक दीपक सिंह, पोस्टमसली सभी को वीर चक्र। नॉट अगेन, just know these names, don't focus too much on it, I'll definitely let you know what is to be done। Anup Sood, again very important, Pranav Jyoti Das Assam Rifle se, Sonam Tashing Tamang Parachute Regiment, Arshad Khan Inspector J&K Police, Gulam Mustafa Bara J&K Police, then Nasir Ahmed Kohli and Bilal Ahmed Magri, all of these are from J&K Police। जो पद्म विभूषण दिए गए हैं इनमें दोस्त सिर्फ एक जो एक एक्सेप्शनल नाम है, जैसे इस बारी पूछ सकता है शिंजो एबे को मिला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पद्म विभूषण शिंजो एबे को दिया गया फ्रॉम आउटसाइड। एसपी बाला सुब्रमण्यम फॉर आर्ट पोस्टमसली मिला, हेगड़े मेडिसिन के लिए, नरेंद्र सिंह कंपानी साइंस एंड इंजीनियरिंग, मौलाना वाहिद खान स्पिरिचुअल, बीबी लाल एंड देन सुदर्शन साहू। पद्म भूषण की अगर बात करें तो दोस्त कृष्णन नैयर, शांता कुमारी चित्रा, तरुण गोगोई, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उन पे फोकस करेंगे। नॉट ऑल दीज, यू कांट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स इन अ वन डे, समझ आती है बात, तो इसलिए हमें सिर्फ देखना। रामविलास पासवान पब्लिक अफेयर्स बिहार में इनको मिला पद्म भूषण, उसके बाद कालबे, नॉट मच इम्पोर्टेंट, सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस नेम अबाउट तरुण गोगोई, पॉलिटिशियंस बोथ ऑफ दीज। तो ये थे हमारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड्स और ये जो चक्र थे, इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सारे नाम नहीं याद करते जो फेमस, जैसे शिंजो एबे इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल वन, जापान से है तो पक्का आ सकता है इस पर क्वेश्चन, तो देखेंगे जी। नेक्स्ट आइए बेस्ट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिले हैं। नंबर 1 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिली है के मेनन की, पैरासाइट द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, पैरासाइट को मिला, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर थे के मेनन। डायरेक्टर अनुराग बासु लूडो के लिए, वेब सीरीज स्कैम 1992, परफॉर्मर ऑफ द ईयर नोरा फतेह, बेस्ट एक्टर बॉबी देओल आश्रम एंड बेस्ट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आर्या। इन पे ही फोकस करें, इन पे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, याद रखिएगा जी। इंटरनेशनल ये जो फर्स्ट मूवी के लिए मिला था बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार फॉर लक्ष्मी, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कायरा आडवाणी, बेस्ट एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत एंड द बेस्ट फिल्म तानाजी दानसंग वॉरियर। इन पे भी थोड़ा सा फोकस करें, नॉट मच। आई होप यू पीपल विल बी एबल टू रिकॉल दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। वैसे दादा साहब फाल्के सिर्फ एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बारी किसको मिला जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल बी आंसरिंग यू इन दिस वन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020, इनको कोशिश करें साथ साथ लिखने की ताकि आपका रिविजन हो सके और चीज़ों को एक संक्षेप में। ये भी मैं बार बार कहूँगा, अवार्ड सेक्शन से अगर क्वेश्चन आ रहा है, आएगा वैसे हमेशा आता है, तो 110% इन्हीं से ही आएगा। तो इसलिए कोई ऐसा घबराने की नहीं, इनको रिवाइज करिए। तो जी लाइफ टाइम सेंचुरी सर्विस अवार्ड मिला एस थियोडर बसकारन फॉर हिज डेडिकेशन टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। रिमेंबर दिस थिंग, थियोडर बसकारन। सर्ब वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, ये सर्ब वुमेन बाय 4 यंग वुमेन नेशनल साइंस एकेडमीज, शोभा कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी, रितु गुप्ता। is a statutory body of the Department of Science and Technology. The board is chaired by the Secretary of to the Government of India in the Department of Science and Technology. The board was set up to promote basic research in science and engineering and to provide financial assistance to scientists and all. Next is Sarah Week Global Energy and Environment Leadership Award, won by Prime Minister Narendra Modi for his commitment to expanding India's leadership and sustainable development. याद रखिएगा, Sarah V Global Energy and Environment Award, Prime Minister Narendra Modi receives this award. Very important. ये भी Wildlife Photographer of the Year, People's Choice Award, was given to Robert Irwin for his image titled Bushfire. ऑस्ट्रेलियन बुशफायर को जो इन्होंने फोटोग्राफ खींचा, इसके लिए मिला इनको, रॉबर्ट इरविन को, द प्राइज इज दिस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट मिस फेमिना, मिस इंडिया वर्ल्ड, इंडिया के तेलंगाना बेस्ड मानसा वाराणसी। याद रखिएगा जी, मानसा वाराणसी नाम शहर से ही आ जाएगा याद। इनको मिला मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू आदित्य पुरी, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर प्रीता रेड्डी एंड सुनीता रेड्डी, आधार पूनावाल ऑन्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंड इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर इज ICICI Lombard General Insurance. Not much important again. Just remember this one. Not it's not economics part. These are still important, but not this one. Next आइए, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर RBI गवर्नर शांति का शक्तिकांत दास। Next one is your corporate citizen of the year award, Tata Consultancy Services, and Global Indian Award has been given to Mr. Piyush Gupta. आइए आगे मार्च के करंट अफेयर्स देखते हैं जी। 78 Global Golden Globe Awards, not much important. If there is any Indian, then it is important. Best Motion Picture, Nomadland. Borat सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म कॉमेडी अवार्ड में, चैडविक बोसमैन फॉर ड्रामा, नॉट मच इम्पोर्टेंट ऑल दिस। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, द हिंदू ग्रुप वॉन 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर्स एट साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स गिवन बाय वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, the champion publisher of the year owing to the highest elite on the points table. ये काफ़ी important है। BB Sports Women of the Year कोनेरू हम्पी, who is she? She is a chess player, very important. Emerging Player of the Year award is Manu Bakar. Lifetime Achievement Award former long jump Anju Bobby George. ये सब important है, remember these one. Just write down these, keep on reading up. इनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तो याद होंगे। इनको जब भी आप पूरा तरह स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं, मैथ्स पढ़ चुके हैं, जब बिल्कुल आइडल माइंड हो चुका तब आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। कॉपी पे लिखिएगा साथ साथ जब आप क्लास देख रहे हो, ताकि आप इसको लिख सकें और रिवाइज़ कर सकें। रिवाइज़ का मतलब ये नहीं कि उसको समझना, सिर्फ देखते रहना ज़्यादा से ज़्यादा बार, ताकि पेपर में अगर टॉप आए तो ऑप्शन आप सही मार पाओ। नेक्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। कन्नड़, नेम ऑफ द ऑथर वीरप्पा मोइली, टाइटल बाहुबली, अहम दिग्गजम, अरुंधति सुब्रमण्यम, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, मणिशंकर उपाध्याय, एकाएकाशी। इसमें दोस्त कोई भी आपको ज़्यादातर देखने नहीं है, सिर्फ एक बारी ओवरव्यू लीजिएगा इन विनर्स के और बुक्स के, बट नॉट मच इम्पॉर्टेंट अगेन आई विल से। पंजाबी गुरदेव सिंह रुपाना एंड देन उर्दू हसन, कुछ नहीं जी, इसमें ज़्यादा मत फोकस करें। ग्रैमी अवार्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये भी वैसे आज तक कभी पूछे नहीं इन्होंने। एवरीथिंग आई वांटेड बाय बेली एलिश, एल्बम ऑफ द ईयर फॉक फोर बाय टेलर स्विफ्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, पॉप सोलो परफॉर्मेंस वाटरमेलन, ये कुछ भी नहीं याद करने की, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। वॉट एवर इम्पॉर्टेंट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो वॉट इज टू बी डन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पक्का आएगा जी। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनावत फॉर मनी करना क्या, उसके बाद बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान, 72 हुरन। बेस्ट फीचर फिल्म मराकर अराबिका दिलाइंते सिम्हम, मलयालम मूवी है, याद रखें। फ्रेंडली स्टेट सिक्किम, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर हेलन, मलयालम। सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ताशकंद में, सपोर्टिंग एक्टर विजया सेतुपति। ऑन सिनेमा गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा बाय संजय सूरी। सो यहाँ पर इन पे फोकस पक्का करें, पेपर में क्वेश्चन आना ही आना। ये भी तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंगना रनावत जनता भूल जाएगी, दीपिका पादुकोण मारेगी। बेस्ट एक्टर भी मनोज बाजपेयी याद रखेगा, अक्षय कुमार नहीं है जी, वो अलग है, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोंसले, अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड हर्ष मारीवाला फॉर मैरिको इंडस्ट्रीज। बुक क्रिटिक सर्कल प्राइज, नॉट मच इम्पोर्टेंट। ये है सबसे इम्पोर्टेंट जी, गांधी पीस प्राइज, इसको मार्क करिए। बंगा बंधु शेख माजीपुर रहमान, शेख माजीपुर वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट एंड ऑल्सो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का, ये याद रखना। और गांधी पीस प्राइज़ 2019 दिया गया था सुल्तान काबूस बिन सईद अली ऑफ ओमान, ये दोनों याद रखने की, 2019 के और 2020 के। बोथ ऑफ दीज आर मुस्लिम्स, वन इज़ फ्रॉम बांग्लादेश 2020 के, शेख से याद रहेगा, शेख हसीना से शेख माजीपुर रहमान, जो कि फादर ऑफ द नेशंस वहाँ के बांग्लादेश के। 19 में सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद ओमान के, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पक्का आएगा जी। इनमें से भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड्स, ये IUCN देता है और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, 10 प्रोफेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडियन रेंज ऑफिसर थे महेंद्र गिरी, ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, महेंद्र गिरी। पूछ सकता है महेंद्र गिरी पर्सन वॉज इन न्यूज़ was related to which field, so remember with ranger। 66th film fair awards, इनको भी जरूर देखिएगा। बेस्ट फिल्म थप्पड़, बेस्ट एक्टर ओम राउत, एक्टर इन लीड रोल मेल इरफान खान। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन, इन लीड रोल तापसी पन्नू, एक्ट्रेस क्रिटिक्स इलोमोला शो, इतना याद रखें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 66 फिल्म फेयर अवार्ड में इरफान खान। आइए ज़रा अब अप्रैल की करंट अफेयर्स को देखते हैं जी। ये है जी सबसे महत्वपूर्ण, इस बारी किसको दिया गया, 51st है, सीधा पूछेगा 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन टू होम, दैट इज़ रजनीकांत, याद रखेगा। और 50th किसको दिया गया था 2018 में, दैट वॉज अमिताभ बच्चन, पक्का आएगा जी। ये अगर आप पुराने पेपर देखोगे 5 साल के, आपको ये हमेशा क्वेश्चन दिखता था, तो इस बारी भी आने के पक्का, या तो CAPF में या CDS में बनेगा, तो फोकस करें, मार्क करके रखें, याद रखें। इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ये आपको भी पता है, एनुअली दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको करती है। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, स्वर्ण कमल मिलता है 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए, मेडालियन शॉल एंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आजकल के टाइम पे ये बैंकिंग बुकिंग में होते हैं, ये CDS और CAPF में, UPSC कभी नहीं पूछता है, NDA के पेपर में भी ये पक्का आएगा जी। दादा साहब फाल्के रजनीकांत को मिला इस साल। अगला AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020, विमेन एम्पावरमेंट, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में वॉन बाय स्वेट सोना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग। लिटरेसी भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वुमेन्स हेल्थ WIT Women Health Coalition, Legal Awareness, Radiant Sita from Tyagaraj, and Self-Defense won by Paritrana from St. Stephen's College of Engineering. Not again very important, AICT वो एक गवर्नमेंट एफिलिएशन है जो कि एफिलिएट करती है कि भाई किसको देना डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो टेक्निकल बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन में इट डील्स विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु में उसको मिला। लिटरेसी में भारतीय विद्यापीठ पुणे में, ये भी बहुत फेमस है विद्यापीठ। वुमेन्स हेल्थ के लिए WIT वुमेन हेल्थ कोलिशन फ्रॉम वालचंद इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र। लीगल अवेयरनेस रेडियंट सीधा, तो जस्ट सी बट नॉट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये मेरा बताना जरूरी है कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, क्योंकि आपको समझ आ सके क्या करना क्या नहीं। ये ट्यूरिंग अवार्ड है जी, जिसको आप कहते हैं एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूरिंग अवार्ड नोन एज नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग, इसको मिला एल्फ्रेड वी और इज लॉन्ग टाइम कोलेबोरेटर जेफरी डेविड उलमैन, ये शेयर किया है उनके साथ अवार्ड। ट्यूरिंग अवार्ड फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के लिए मिलता IT में। ये इंपॉर्टेंट है जी, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रुमाना सिन्हा सैगल नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 हैज बीन गिवन। अगला जी बाफ्टा अवार्ड्स 2021, बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर क्लोजो, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर। इन पे भी भाई विदेशी क्यों हिंदुस्तानी याद कर लें वो भी बहुत है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। देखना चाहते हो तो ये सिर्फ पहले 4 देखने, दैट्स इट। और अगर कहीं इंडिया का नाम है देन यू नीड टू सी, अदरवाइज डोंट चेक आउट ऑल दीज, डोंट नीड टू फोकस मच। आपको हर चीज़ में यार हर सब्जेक्ट में अपनी रिटेंशन प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी वेयर इट इज़ टू बी फोकस मोस्ट वन, अदरवाइज करंट अफेयर्स जितने मर्जी पढ़ लें देयर इज़ नो लिमिट, बट आई नीड टू मेक श्योर जो आपको दे रहा हूँ वो भी एक प्रॉपर ढूंढ के रिसर्च है, बट इसमें भी कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि यू कांट रिटेन ईच एंड एवरीथिंग, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट से हमेशा क्वेश्चन आएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा एक्सपीरियंस है विच आई एम टेलिंग यू, तो आपको फोकस उन्हीं पे करना जिन पे मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रेस डालिएगा, उनको इग्नोर तो नहीं, थोड़ा बहुत देख लीजिए बट ज़्यादा फोकस मत करें इस पे भी बाफ्टा अवार्ड्स पे। कलिंग रत्ना सम्मान आंध्र प्रदेश गवर्नर को मिला विश्वभूषण हरिचरण। पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉलोड बाय असम एंड छत्तीसगढ़। देन वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इटालियन डायरेक्टर रॉबर्ट बेनेगी द लाइफ इज़ ब्यूटिफुल फेम हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन लाइन फॉर अचीवमेंट अवार्ड फॉर 78th वेनिस फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है ये जी एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स, HDFC has adjudged India's best bank for SMEs. 30th GD Birla Award received by Suman Chakrabarti for scientific research for his outstanding contribution to engineering science. Moscow International Film Festival 2021 किसको मिला मराठी फिल्म पुगल्या बेस्ट फॉरेन फिल्म फीचर अवार्ड इन मुख्य, ये याद रखिएगा जी आ सकता है। GD Birla by Professor Suman Chakrabarti for outstanding contribution to engineering science, important जी पुगल्या। नेक्स्ट आइए जी 8th वैक्लेव हावेल ह्यूमैनिटेरियन प्राइज सऊदी एक्टिविस्ट लोजानल हथलोल को मिला ये प्राइज बाय पेस यूरोप। द 8th वैक्लेव ह्यूमैनिटेरियन प्राइज विच ऑनर्स आउटस्टैंडिंग सिविल सोसाइटी एक्शन इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, he was awarded for European Rights Prize, a top in recognition of her fight for women's rights in the kingdom, her efforts to end a ban on women driving. Good one. It is named after the Czech, former Czech descendant and later president, is awarded annually for civil society. Not again very important, पर याद रखिएगा वैक्लेव ह्यूमैनिटेरियन प्राइज इनको मिला लोजेन अल हथलॉल। ये है जी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करंत, चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलोर बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, कृति करंत becomes the first Indian woman to get Wild Innovator Award. Wild Elements Foundation brings together a coalition of innovator, advocates and partners to disrupt the status quo and identify solutions to problems. So remember this one, Wild Innovator Award, Kriti Karanth, important. ये भाई सबसे important सरस्वती सम्मान 2020. Dr. Sharan Kumar Limbale for his book Sanatan. सोशल एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ दलित स्ट्रगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा शरण कुमार लिम्बाले. इस प्रकार के क्वेश्चन भी पक्के आते हैं, सरस्वती सम्मान आना ही आना है. ये किसको दिया जाता है? कोई भी जो प्रोज और पोइट्री लिटरेरी वर्क 22 लैंग्वेजेस अपने ऑफिशियल के बिरला फाउंडेशन का. ये भी 110% श्योर है अवार्ड से एक क्वेश्चन आता ही आता CAPF में, CDS में, तो इन पे कंसंट्रेट पक्का करें. नेक्स्ट है जी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर फॉर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर कन्फर्ड टू फिल्म मेकर गुनीत मोंगा. सेकेंड हाईएस्ट फ्रेंच ऑनर है, गुनीत मोंगा को मिला जो कि फिल्म मेकर है. देवी शंकर अवस्थी अवार्ड, हिंदी प्रोज जर्नलिस्ट आशुतोष भारद्वाज, पितृवध, नॉट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्कर प्राइज सिर्फ ऊपर से देख लीजिए, बेस्ट पिक्चर के लिए नोमैडलैंड हर जगह पे है. मैकडॉर्मेंट को मिला बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर, बेस्ट एक्टर. ये भाई इस पे ज़्यादा फोकस फिर से मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करना जी. विस्डेन अवार्ड, बेन स्टोक्स नेम्ड विस्डेन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर. विस्डेन अवार्ड क्रिकेट में दिया जाता है, तो बेन स्टोक्स को मिला फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर. Australia's Beth Mooney, leading women's cricketer in the world. Both of these are important. Virat Kohli, Almanak's ODI player of the 2010s. ODI cricketer of the 1990s. Kapil Dev, 1980s. West Indies all-rounder Ken Pollard, leading 20 cricketer in the world. ये देख लीजिएगा, important हो सकता है Wisden Award. आइए जरा मई के करंट अफेयर्स को देखते हैं. ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये मिला आइरिडा, हैज बीन कन्फर्ड विद दिस ग्रीन. आइरिडा क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर दिस ईयर बाय इट्स अ मिनी रत्ना, सरकारी एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट PSU है, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, एस्टैब्लिशेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एनर्जी फॉर एवर. दिस वन इज द मोस्ट क्रिटिकल अवार्ड, पक्का आएगा जी, इंडियन है डॉक्टर शकुंतला हार्क सिंह थिल्स्टैन, इंडियन ओरिजिन है, नॉट इंडियन. वर्ल्ड फूड अवार्ड पक्का आएगा जी. और सी बोर्ड फूड एंड फूड सिस्टम्स हैज रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर इट्स रिसर्च और रिसर्च होलिस्टिक एंड न्यूट्रिशनली सेंसिटिव अप्रोच. शकुंतला याद रखेगा, वर्ल्ड फूड अवार्ड. शेख जायद बुक अवार्ड, ये शेख जायद बुक अवार्ड है. जॉर्जिन हबरमास रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट यूएस जायद बुक अवार्ड, कल्चरल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021. डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, इंडियन वुमेन टू विन शेख जायद बुक अवार्ड. शी वॉन द ऑनर फॉर हर बुक अरेबिक और एशियन आर्ट एंड फंक्शन, कुतुबुद्दीन फैमिली से, नॉट मच इम्पोर्टेंट. विटली अवार्ड्स 2021 ग्रीन ऑस्कर जिसको कहते हैं हम, इसको मिला नुक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडियन है, नागालैंड से हैं, जिनको मिला नुकलू फॉर्म ऑफ नागालैंड, ओनली इंडियन टू रिसीव द अवार्ड. विटली अवार्ड्स इज बेसिकली ग्रीन ऑस्कर जो कि इन्वायरमेंट के लिए किसी ने काम किया हो, फंड फॉर द नेचर, ग्रास रूट लेवल कंजर्वेशन लीडर्स फॉर इज क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड जैपनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली दिया एक बेंगलोर बेस्ड जैपनीज टीचर श्यामला गणेश को, इम्पोर्टेंट है. 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, सिंगर पिंक विल बी ऑनर्ड विद द आइकॉनिक अवार्ड 2021 फॉर BVM. एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स, स्पाइस हेल्थ वॉन 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड, रोडोल्फ वी शिलेंडलर अवार्ड, पद्म भूषण अवॉर्डी एंड नोटेड गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी awarded given by the American Society of Gastrointestinal Endoscopy. तो याद रखेगा ये भी, फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी रोडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड इनको मिला. नेक्स्ट है जी इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है जी. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल कैटेगरी में शाजी एनएम ट्यूबरमैन ऑफ केरला कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज and award carrying 2 lakh cash prize and was declared on May 2021 International Day for Biology. ये भी याद रखिएगा जी, 21-22 मई को मनाते हैं International Day of Biodiversity. Sustainable use of biological resources category कृषि एवं पृथ्वी, sustainable use of bioresources खोनामा nature conservation. Not much important, पर इतना biodiversity day तो पक्का ही याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है. इसका थीम भी अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज द थीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे. नेक्स्ट इटलीज इंटरनेशनल एनी अवार्ड, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड प्रोफेसर CNR राव को मिला ये, रिमेंबर एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज. नोबेल प्राइज इन एनर्जी को माना जाता है इंटरनेशनल एनी अवार्ड, CNR राव को मिला, इज अ साइंटिस्ट, भारत रत्न भी ले चुके हैं इनको. इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस, थम्जी डेब्यू सेथ्यूमन, नॉट मच इम्पोर्टेंट, नॉट एट ऑल टू वर्क ऑन इट बिकॉज इंडियन जो हमारे इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट देती वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉट दिस वन. इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 ये अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को, ये आ सकता है जी, पक्का आ सकता है, मंत्री को मिला और सरकार के तो भाई पक्का. प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट अमृत्य कुमार सेन, ये आपको पता है फर्स्ट नोबेल लॉरिएट फॉर इकोनॉमिक्स इन पॉवर्टी एंड फेमाइंस पे इन्होंने काम किया. हाईएस्ट प्राइज है स्पेन में इन सोशल साइंस कैटेगरी. करीम अब्दुल जाबर सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड, क्लियर जी. NBA हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू अवार्ड करीम अब्दुल जाबर सोशल चैंपियनशिप अवार्ड टू रिकॉग्नाइज प्लेयर्स हु आर मेकिंग स्ट्राइड्स इन द फील्ड फॉर सोशल जस्टिस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, NBA ने बनाया ये करीम अब्दुल जाबर सोशल जस्टिस चैंपियन. मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, इट्स अ नोबेल प्राइज लाइक अवार्ड विच इज गिवन बाय फिनलैंड, राइट. शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेरमन, नॉट मच इम्पोर्टेंट. वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड सुरेश मुकुंद, first Indian to won this one, this is very important. Then this one is also good one, Templeton Award, naturalist Jane Goodall for her work on animal intelligence and humanity. ये focus करें, important है. आइए जरा जून के देखते हैं. India Smart City Award, उत्तर प्रदेश is the top performer among all Indian states. Then we have Madhya Pradesh and then Tamil Nadu. Among cities, Indore and Surat. Joint winner, Chandigarh first among the UTs. Agartala, Indore, Vadodara. Sustainable business model of integrated command and cultural centers. ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट आपके CDS CAPF किसी में भी आ सकता है. इंटरनेशनल बुकर अवार्ड डेविड ड्यॉप, ही इज अ नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट, इसको फॉर द बुक्स ट्रांसलेटेड एंड इनटू इंग्लिश विद हिज वर्ल्ड वॉर one novel At Night All Blood is Black. Paris born writer became the first French winner of the award. Two Senegalese soldiers fighting for France in the trenches of World War I won half prize which recognizes the major role of translators. तो मेरे भाई ये याद रखें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज डेविड ड्यॉप जो कि फ्रेंच नॉवलिस्ट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला for the books translated into English with his World War I novel At Night. Very very important, David Diop, DD याद रखिएगा, वर्ल्ड बुकर प्राइज आएगा जी. ये है क्या इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसको मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता था पहले, फॉर होस्टेड यूनाइटेड किंगडम देता है सिंस 2005. ये फॉर अ बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड विद अ 50,000 यूरो प्राइज फॉर विनिंग टाइटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर प्राइज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मिलता मेगा राजगोपालन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडियन ओरिजिन्स हैं। एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बुस्केक विंस पुलित्जर प्राइज फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एक्सपोजिंग इंटरनेट camps secretly built by China for detaining Muslims in Xinjiang region. Very, very important. Pulitzer Prize for local reporting, Miss Neil Bedi, along with Kathleen McGree. Pulitzer Prize for local reporting, the series exposing a sheriff's office initiative that used computer modeling to identify people believed to be future crime suspects. ये भी याद रखिएगा। वैसे Pulitzer Prizes for journalism. Remember this one. Important है जी। आगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अरुणाचल्स वाटर बरियल हैज पिक्ड द बेस्ट नेशनल फिल्म नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन विच इज डायरेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर शांतनु सेन। ये भी याद रखिएगा जी, वाटर बरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। नेशनल अवार्ड ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ओपन Society Prize, Central European University Open Society Prize awarded to former Kerala State Health Minister K.K. Shailaja. Her determined leadership and community-based public health work saving lives during the pandemic. Very, very important. Open Society Prize is awarded annually to an individual. Achievements have contributed substantially to the creation of an open society. Special Recognition Award, WHO Director General. स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल, हमारे जो मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, उनको मिला गया। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इज नितिन राकेश एंड जेरी विंट, ये इनकी किताब है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। फिकोका प्राइज पी साईनाथ, ये बहुत फेमस हिंदू के राइटर हैं, एडिटर हैं, जो लिखते हैं किस पे, एग्रीकल्चर क्राइसिस पे इन इंडिया। ही हैज़ बीन राइटिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स, इफ यू हैव रेड इन हिंदू यू मस्ट बी नोइंग। फिकोका प्राइज फॉर 2021, इट्स अ ग्रैंड प्राइज ऑफ वाइल द एकेडमिक प्राइज एंड द प्राइज फॉर आर्ट्स एंड कल्चर विल गो टू प्रोफेसर किशिमोतो मियो एंड फिल्म मेकर प्रबदा यून ऑफ दिस वन। अपने को ये वाला याद रखना, और recipients of Fukuoka Prize, Grand Prize of Fukuoka is annually to distinguish people to foster increased awareness to Asian cultures and to create a broad framework of exchange and mutual learning among the Asian people. 11 Indians have received the Fukuoka so far, इनमें से historian Romila Thapar भी रही हैं। 2021 किया NBA 6th Man Award, Utah Jazz guard Jordan Clarkson। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड मिला है इंडियन अमेरिकन केमिस्ट सुमिता मित्रा, सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड नैनो टेक्नोलॉजी इनटू डेंटल मटेरियल्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर एंड मोर एस्थेटिकल प्लीजिंग फीलिंग्स। बाफ्टा अवार्ड्स अगेन नॉट मच इम्पॉर्टेंट, देख लीजिएगा, बट मैं कभी नहीं कहूँगा कि इनको पकड़िए। एनर्जी काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड शैलेश गोविंद गानपुले और डेवलपिंग अ ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट। जॉडी बॉस्टर टू बी ऑनर्ड विद पाल्मे डी एट 21 केन्स फिल्म फेस्टिवल, नॉट मच इम्पोर्टेंट। 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फेमिलियल फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान, अ यूनिक कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स अ ट्री विद अ फैमिली एंड मेकिंग इट अ ग्रीन फैमिली मेंबर। The UN Convention on Combat Desertification organized Land for the Life Award, very very important. तो ये तेरी awards for the last 6 months from January to June। मैंने कोशिश किया हर award को पकड़ने की जो भी important है, और जिनको सबसे important है वो भी मैंने mark कर दिया इस video में। मेरे को confidence भी है जी, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा अवार्ड सेक्शन में, आपके CAPF के पेपर में, CDS के पेपर में। वी विल कंटिन्यू द सीरीज। इफ यू पीपल रियली लाइक दीज सेशंस Please share these video. We need to reach out to the maximum people. The day we reach out to the maximum people, we will make sure that things, more of the good things are coming on this platform. So please do help us to reach out to the maximum people. Now certain announcements for those people who are looking for coaching for CDS or CAPF. We are there on Unacademy also, Takshala Classes. So you can join us online classes for Unacademy, right? You can just install this app और वहाँ पर you can follow me. My name is Sri Pratik over there. Maybe right now number 7 rank is there, so nothing to worry. But I promise you, it's going to be a quality classes for you people for CDS and CAPF. अगर आप में से किसी ने भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके डिफेंस एग्जाम्स में जाके यू कैन stick to the CDS, CAPF, FCAT and purchase the subscription. Once you get the subscription, आपको इसके बाद 12 महीने की सब्सक्रिप्शन का इस समय कॉस्ट है 9680, जो कि पर मंथ पड़ रहा है 807. सो इट्स वेरी नॉमिनल कॉस्ट. आप घर पे बैठे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकते हैं, जो क्लासेस लगानी है वो लगा सकते हैं. और मैं बिल्कुल कहूँगा, कॉन्फिडेंटली कहूँगा, बेटर देन एनी अदर क्लासेस एनीवेयर इन दिस कंट्री. और जिसको भी सब्सक्राइब करना है, इस रेफरल कोड को ज़रूर लगाइए. आई कैन एश्योर यू, यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. दैट इज़ व्हाट माय कॉन्फिडेंस इज़ अबाउट दिस थिंग. आप में से अगर ये ले रहे हैं तो इसके ऊपर ये रेफरल कोड लगाएं, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ. और किसी को भी अपडेट्स चाहिए, ये मेरे नोट्स चाहिए जो हम करंट अफेयर्स के, तो आप इस Unacademy डिफेंस पे ये आप मेरा टेलीग्राम को फॉलो कर सकते. जस्ट सर्च श्री प्रतीक @Unacademy डिफेंस. यू विल गेट द पेज एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट पेज. अनदर अनाउंसमेंट्स, जो कि कल से 21 जुलाई से अभी अभी बैचेस शुरू हुए हैं CDS IMA के, तो ज़रूर लगाइएगा. 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहे. OTA का भी 21 जुलाई से कंप्लीट OTA बैच स्टार्टिंग. सो जिनको भी ये लगाना है, और अभी फ़िलहाल देयर इज़ अ ऑफर ऑल्सो. 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 महीने की उसमें फ्री मिल रही है. अगर आप 12 महीने की ले रहे हैं तो 2 महीने की फ्री मिल रही है. तो ये काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज पीपल हु वांट टू प्रिपेयर फॉर अ 1 ईयर, हु आर इन द फाइनल ईयर और हु आर इन द NCC. दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जॉइन Unacademy एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड यू विल गेट अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर CDS, FCAT एंड CAPF इन 1 सब्सक्रिप्शन. So I hope you people enjoyed this session. Please hit a like button. Do share this video as much as possible. Thank you. Jai Hind everyone.